अमृतसर की स्पेशल जो पतीले वाला मीट है ना वो खिलाएंगे। चिकन खा लो, आलू खा लो, एक बराबर है। कोई चीज खानी है तो फिर मटन खाओ। आज की डेट में जितने का एक पतीला है ना किचन के उतने बर्तन आए थे सभी। सबसे पहले हम लेंगे जी देसी घी। गोल्डन टेम्पल के सामने। अच्छा अच्छा, पहले शॉप गोल्डन टेम्पल के सामने, वहाँ सी में मीट बंद हो गया। जब हम पानी यूज करेंगे ना, जैसे पीतल का कलर है ना, ऐसा गोल्डन कलर आ जाएगा ग्रेवी का। मछली की बोटी अगर इस तरह से गल जाती है, क्या कहने यार, ये देख रहे हो एकदम मुंह में जाके घुलने वाली चीज है। गाइस, आज हम अमृतसर में हैं और अमृतसर में एक प्लेस बहुत फेमस है, यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ स्पेशल डिशेस जो सर बनाते हैं और उसकी थोड़ी सी मेकिंग दिखाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो देखो, ये है क्रिस्टल चौक। वो क्रिस्टल चौक दिख रहा है आपको, वो क्रिस्टल चौक है, ऊपर रोड बोलते हैं उसको। यहाँ से इधर साइड आपका केसर ढाबा की तरफ रोड जाता है। ये क्रिस्टल चौक से आप जब सीधे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर। आ जाओ दोस्तों, सर से मिलवाता हूँ आपको। कमान, नमस्कार जी। मायसेल्फ जसमीत सिंह फ्रॉम बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, तीसरी जनरेशन डूइंग द सेम बिजनेस। पहले हमारे दादाजी थे जिन्होंने हलवाई का काम किया, उस समय दूध पेड़े लस्सी का यही काम चलता था। फिर 70 के लाइन में मेरे पिताजी ने नॉनवेज का काम शुरू किया जी, इन्होंने मटन का काम शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने 93 से इनसे बैठना शुरू किया, इनके साथ नॉवेल लेनी शुरू की। 96 से इंडिपेंडेंट मैं रन कर रहा हूँ और यही लोकेशन रही है स्टार्टिंग। हाँ जी, 96 के बाद यही लोकेशन। चलिए बहुत सही। तो गाइज, बहुत सारी डिशेज हैं जो सर बनाते हैं। फाइनली हम कुछ एक दो डिशेज बनवाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो शुरू करें सर। बनाएंगे भी बल्क में बनाएंगे, बल्क में बनाएंगे। भैया देखो, प्यार इतना मिलता है, जो भी आते हैं इतना प्यार देते हैं, तो फिर मजा तो फिर बल्क में मजा ही है ना। और फिर बल्क में भी तभी बनता है जब बल्क में निकलता है, डिमांड होती है। बड़े भैया, आज आपको अमृतसर की स्पेशल जो पतीले वाला मीट है ना वो खिलाएंगे। सबसे पहले हमने जो पतीला लिया है, हाँ जी, ये जो डिश है ना इसी पतीले में बनती है, पीतल के पीछे पतीले में। तो आप देखो पतीले का साइज चेक कर लो, मेरे को ये बताओ ये है कितने किलो का। ये कम से कम इसका जो खाली का वेट है ना, कम से कम 22-23 किलो खाली वेट है इसका। आज की डेट में जितने का एक पतीला है ना किचन के उतने बर्तन आए थे सभी। ढाबे लाइन में जब बोलते ना, ये हमारी ज्वेलरी है, जब मर्जी ले लो, जब मर्जी भेज दो, फिर उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे जी देसी घी। क्या बात है, और जी सारा आइटम देसी घी में बनता है। भैया नॉन वेज का काम बनता है देसी घी में, वेज में तो काम ही नहीं होता। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पूरा एक पीपा लिया है, और घी का किस तरह से घी इसके अंदर डाला जा रहा है आपको देख ही सकते हो। हमारी जो नॉनवेज का काम है ना, आप देखो कि हमारे बर्तन भी जो भी है उधर देख लो, इधर देख लो, सारा ही पीतल के या तांबे में बर्तन। हम स्टील और सिल्वर इतना यूज नहीं करते हैं। जो प्रेपरेशन है वो इसमें करेंगे, जो स्टोरेज करनी होगी कुछ टाइम के लिए, रात के लिए, वो उनमें यूज कर लेंगे। जो प्रेपरेशन है जो बुजुर्ग बोलते हैं इसी में बनेगा, तो इसमें फ्लेवर भी अलग आएगा। सबसे पहले हम लेंगे अपनी लहसुन अदरक की पेस्ट। अब मेरा जितना भी सामान आप देखेंगे यूज करूंगा, मैं हरी मिर्ची यूज करता हूँ, मैं लाल मिर्ची यूज नहीं करता हूँ। ये जो हरी मिर्ची है हमारी आंखों के सामने हमें मालूम है क्या चीज है। लाल मिर्ची पीछे पैक लेके आएंगे या खुली लेके आएंगे, क्या पता उसको रंग लगा हुआ क्या है, कैसा है कैसा है, दैट्स वाई हम यूज नहीं करते। इसका सेहत के लिए एडवांटेज है, लाल मिर्च का डिसएडवांटेज है। अब इसमें हम डालेंगे जी अपनी हल्दी। मटन में कोई हल्दी डालता है, कोई नहीं डालता, हम यूज करते हैं। नमक, ये थोड़े से मोटे मसाले, मोटे मसाले मैं कम ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्यों फ्लेवर हमने मटन का अपना देना। ज़्यादा डाल देंगे मसालों का अपना फ्लेवर आएगा, मटन का फ्लेवर उभर नहीं पाएगा। ये हल्की सी खुशबू के लिए ही देने होते हैं। जब तक ये घी गर्म होता रहेगा, लहसुन भूजता रहेगा, इसकी अपनी स्मेल निकलती रहेगी। अजी घी कौन सा रहता है अपना? देसी, जौन सा मिल जाए, पैक लेते, कभी सित्ती का आया था, कभी ममता का आया था, पक्के वेंडर लगे होते हैं, जो भी वो भेज दे लेना। देसी घी या सील खुले वाला यूज़ नहीं करते। ये हमारी प्याज की पेस्ट पहले से बना के रखी होती है, ऐसे है कि फ्राइड प्याज आता है उसको हम थोड़ा सा बुनाई करके पिसाई करके रख लेते हैं, फिर आगे जब तड़का लगेगा हम इसमें तड़के में यूज़ करते हैं। ये दोस्तों फ्राइड प्याज आ गई, ये पीछे से बना बनाया मिलता है प्याज, फ्राइड प्याज। यूज़ करेंगे टमाटो प्यूरी। मेरे को कई जने क्वेश्चन पुट करते हैं, आप टमाटो प्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, टमाटर क्यों नहीं? उसका कारण है, सबसे बड़ी बात ये है, जो टमाटर है ना वो कच्चे हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए,
उसको बॉयल करके पिसाई करनी पड़ती है। ये भी हमने रखा हुआ है, पहले उबालो, एक तो टाइम लगता है ठंडे होने में होगा तो फिर पिसाई होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये उसी रेट में हमको मिल जाती है तो ईजी रहता हमारे लिए। अब आप ये भी क्वेश्चन पुट करोगे, इतने बड़े पतीले में इतना प्याज दे रहे हो, टमाटर इतने से डाल रहे हो, हम ये टमाटर थोड़ा सा डालते हैं, बाकी हम दही यूज़ करते हैं। जब आपको आगे देख सकते हो 15 से 20 मिनट हमको हो गए हैं, प्याज भी हमारा बुनाई हो चुका हुआ है और टमाटर भी जो हमने डाले हैं वो भी बुनाई हो गए हुए हैं। घी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गया, आप चेक कर सकते हो। हम डालेंगे अपनी देगी मिर्च, तो कलर देगी मिर्च का रहता है। हाँ जी, जो कलर हल्दी से और देगी मिर्च से आता है, दूसरे आर्टिफिशियल कलर से नहीं आता। ये हमारा प्याज का तड़का भुज के तैयार हो चुका जी। ये आप देख सकते हैं मटन है हमारा बल्क क्वांटिटी में, हम इसको अब मिक्स करेंगे अपने प्याज में। इस मटन को क्या बोलते हो आप वैसे? ये हमारे पंजाब में इसको पतीले वाला मीट बोला जाता है, अमृतसर में हमारे पतीले वाला मीट। पतीले वाला मीट ये पुराने टाइम पे चलता आ रहा है, उसको पतीले वाला मीट कहते थे। जब जब टाइम थोड़ा चेंज हुआ फिर इसका नाम रोगन जोश पड़ा। जब से ये कहते ना, पहले कुक हलवाई थे, फिर कुक हुए, फिर शेफ हो गए, उसी तरह पहले पतीले वाला मीट था, फिर रोगन जोश हो गया, अब ये इन्होंने इंग्लिश में नाम दे दिया इसको मटन करी। मटन करी आप देख सकते हो जी, तकरीबन इसको 20-25 मिनट हो गए हम बुनाई करते हुए। इसका जो घी हमने देसी घी डाला वो तो सारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा। सबसे बड़ी ये पहचान होती है, जब प्याज और कोई चीज़ भुनने लग पड़े ना, जो हमने घी डाला होता ना, वो धीरे 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 ऊपर आना शुरू हो जाता। अब बस हम इसमें हम नेक्स्ट स्टेप डालेंगे अपना दही। टमाटर हम कम डालते हैं, इसमें दही डालते हैं हम ज़्यादा। निकाल के दे। अभी आप कह रहे हो ना कि दही से क्या होता है, अब देखो इसका कलर देखो। अभी हमने दही डाला, दही को हम मिक्स करेंगे तो देखना कलर कैसा हो जाएगा इसका। ये दही कहीं कहीं हमारा घी का काम भी करता है, कहीं दही का भी जो अपना थोड़ा सा घी होता है उसमें, वो भी घी इसमें आ जाएगा, उसका फ्लेवर अलग होता है दही का। इसको हिलाने के लिए बाजुओं में भी दम चाहिए। अभी तो आपने बाजू बना रखी है आम से आम से। हिला के देखो और इसको बिना हिलाए काम चलेगा भी नहीं। काम कैसे चलेगा, नीचे लग जाएगा, चिपक जाएगा वो, तो बैठ जाएगा वो सारा। भारी है गाइस। ओके जी भैया, आप देख सकते हो तकरीबन हमें 45 से 50 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। इसका देखो ये घी ऊपर आ चुका है, प्रॉपर बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हो पानी इसका प्याज का और मटन का अपना कोई पानी भी नहीं है, पूरा अच्छी तरह से ऊपर से हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आप देखो पीस चेक कर लो, ये जो हड्डी है हड्डी के ऊपर कलर चढ़ना शुरू हो गया हुआ मटन का अपना। इसका मतलब ये 50-60% हमारा बुनाई पूरी हो चुकी हुई है, मटन तैयार है। अगर इसको 15-20 मिनट लग के और ऐसे सर्व करेंगे तो भुना हुआ मीट, भुना हुआ गोश्त जिसको कहते हैं वो सर्व होगा। इसको पानी लगा देंगे, ये पतीले वाला मीट लग जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जी। सूप भी डाल दें इसमें। ये चेक करो पतीले का कलर और ग्रेवी का कलर सेम हो गया। सेम हो गया, यही बोले थे मैंने वर्ड्स आपसे। बिल्कुल सर। हमने जो पानी ऐड करना था कर दिया हुआ है, अब इसको इंतजार करेंगे उबाला आने का। इसको ढक के कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे, क्वांटिटी ज्यादा पतीला बड़ा है, उसको आधा घंटे के लगभग लगेगा उबाला आने। गोल्डन टेम्पल के सामने। अच्छा अच्छा, पहले शॉप गोल्डन टेम्पल के सामने, वहाँ से मैं मीट बंद हो गया 80 के बाद। हम इधर आए 80 तक गोल्डन टेम्पल के सामने किया, वहाँ तक 1 रुपए का बेचा मीट की प्लेट भी 3 रुपए की बेची। अब प्लेट जो 300-350 रुपए की प्लेट है। मटन में बहुत परमात्मा की कृपा हुई, मैं बचपन से शुरू किया मीट और 1 किलो से ले गए 1 मंथ 10 किलो तक बेचा मैंने। क्या बात है, 1-1 रुपए का ढूंढे पत्ते में मीट। ये जो हमारा आप देख सकते हो ये हमारा रेडी है। अब ये हम इसमें अपना प्लेटिंग करेंगे इसकी। भाजी वो ऑलरेडी वहाँ से बना है तो यहाँ बड़ा बने हैं, सिर्फ उसमें रेडी है। इसमें अब आपने सिर्फ नमक मिर्ची सेट करके आगे देना। अच्छा, पतीले वाला मीट इसी को तो बोलते हैं। ओके, हल्का सा पैन में गर्म करके नमक मिर्ची सेट करके उसको दे दें। आप देखो कि हमने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गार्निश करके इसको रेडी कर देना बस। आपके सामने अभी पतीले से निकाला, हाँ जी, ये जो रोगन तैयार है ये देसी घी का है, यही हम इसमें यूज़ करेंगे। ये पीस चेक करो बड़े भैया, ये चाम के पीस, ये मछली,
ये गोल पीस, एक प्लेट में चार पीस जाते हैं जी। हरी मिर्ची, अदरक, ये गार्निश के लिए धनिया, पतीले वाला मीट कह लो, रोगन जोश कह लो, उसमें हल्का सा नमक, गरम मसाला, हल्की सी पिंच ऑफ लाल मिर्च, बस। ये लो भैया। तो गाइस पतीले वाला मटन बनके रेडी है, अब टेस्ट कर लें सर। टेस्ट करते हैं, चलिए। तो गाइस आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है मटन, डेग देखो आप किस डेग में बनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही इनका बनाने का जो तरीका है ना भाई, बहुत शानदार है। और बल्क में बना रहे हैं मटन, किस तरह से बना रहे हैं, कितनी पैशनेट होकर बना रहे हैं वो आपने पूरी देखा। और इनका बात करने का लहजा भाई क्या शानदार है ना। देर नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत टाइम हो चुका है हमको शूट करते हुए। मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मटन बन के रेडी हुआ है। और आपको दिखाया था ना देसी घी कितना दबा के डाला था, ये देखो भाई साहब इसके रंग चेकआउट करें एक बार आप। हाँ लगा शानदार। और साथ में भैया ने हमारे लिए लगवा दिया है तवा चिकन, जिसके ऊपर से ये देखिए एग रख दिया है बॉयल वाला, और ये थोड़ी सी क्रीम डाली है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये भी, क्या बात है हा? और ये भी घी का आइटम है दोस्तों, यहाँ पर घी के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होता भाई, ये चीज़ तो देखने को मिल ही रही है ना। तो बहुत सारी अफवाहें सुनी थी कि भाई लोग बोलते हैं कि यार कई लोग होते हैं जो घी बोलते हैं घी नहीं डालते हैं, बट हाँ यार यहाँ पे 100% घी है, ये शॉर्टी मेरे को मिली है यहाँ पर, है ना। तो मैं देर नहीं करता हूँ, मटन लेते हैं सबसे पहले। तो अपन एक पीस डाल लेते हैं इसमें, ये देखो ये तो चाँप का पीस लिया मैंने, और एक पीस और लूँगा मैं, ये देखें ये मछली वाला पीस लिया है भाई, ये देख रहे हो। और थोड़ी सी ग्रेवी है देखो भाई, ग्रेवी देख रहे हो आप क्या शानदार इसमें टेक्सचर आया हुआ है। गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर मेरे पास, क्या हुआ ये देखो भाई, ये ओए हो सर। पहले मैं आपको गलावट चेक दिखा दूँ एक बार इसकी, ये देखो देख रहे हो दोस्तों, ये मछली की बोटी बोलते हैं इसको। और ये देखो हाँ, साथ में ये मसाला, क्या बात है, जो अपने जयपुर में जो नॉनवेज मिलता है मटन मिलता है उससे बहुत टेस्ट अलग है। घी का टेस्ट आ रहा है, मटन की प्योरिटी का टेस्ट आ रहा है। और एक बार गलावट देख रहे हो आप इसकी भाई, ये देखो मछली की बोटी अगर इस तरह से गल जाती है क्या कहने यार, ये देख रहे हो एकदम मुंह में जाके घुलने वाली चीज़ है। तो गाइस वीडियोस तो आपने बहुत देखी इनकी और बहुत वायरल हो चुकी है फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी, बट इनका खाना जो जायका है ना वो चीज़ सर्व कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। लाइक कई प्लेसेस होते हैं जो वायरल तो हो जाते हैं बट उनके ऑथेंटिक कॉन्टेंट से लेके, बट खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि बस घास ही काट रहे हैं, वो वाली चीज़ हम देखने आए। बट भाई है खाने का टेस्ट है, चटनी क्या बात है यार, मजा आया भाई। चिकन भी फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ रखता हूँ गाइस। एक्चुअली क्या है हम लोग यहाँ पे फटाफट शूट कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। ये देखें ये चिकन, और ये देखो भाई वही तंदूरी वाला चिकन रहता है जिसको ये तंदूर करते हैं, और उसके बाद ये तवे में यूज होता है, ये देखो क्या बात है। ये देखो भाई इसके अंदर जो मेरे को टेस्ट आया ना दोस्तों, आपको पता है तवा चिकन है, तवे चिकन में मोस्टली टेस्ट खड़े मसालों का रहता है ना, ऊपर से खड़े मसाले डालते हैं, जैसे अभी इन्होंने कोरिएंडर सीड्स डाले थे, और हल्के फुल्के से जो साबुत जो मिर्ची है ना उनका टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बहुत सही ज़्यादा है, मतलब एज एन चखना भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे आना हो रहा है और आप कुछ इस तरह का खाना चाहते हो जो देसी घी में सर्व कर रहे हो, एक्चुअली देसी घी, यहाँ पे कई प्लेसेस हैं जो दाल बोलते देसी घी है बट भाई डालडा वगैरह चल रहा है। देखो मेरे को ऐसे प्लेसेस देखने को मिले, बट आपको एक्चुअली देसी घी वाला मटन खाना है यहाँ पे आए। और मैं इस मील को करता हूँ एंजॉय, आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।